दोस्तों आपने आईफोन एक्स एस के साथ दोस्तों एक नया चीज लॉन्च किया है दोस्तों एप्पल वाले ने। दोस्तों आपको आपने आईफोन एक्स एक्स के अंदर न्यू एनहांस बुके पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, जिसके साथ आप पीछे के अंदर रियल टाइम ब्लर कर सकते हो एपर्चर को घटा बढ़ा के। सो उसको आप किस तरह से अपने फोन के अंदर यूज करते हो वही हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। सो आपको दोस्तों आईफोन एक्स एस की बुके इफेक्ट वाली फीचर को यूज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, आपको एप स्टोर के अंदर ही मिल जाएगा। दोस्तों अपना जो ऐप स्टोर है इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन को सर्च कर लेना होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों इसको आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका आइकन कुछ इस तरह से दिखता है। सो इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है फ्लैश के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों रियल टाइम ब्लरिंग के लिए, और यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों एक्सपोज के लिए, यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों व्हाइट वेलेस। यहाँ पर अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पर इसका एडिट मोड मिलता है, कंटिन्यू शूटिंग मोड मिलता है 4:1, तो ये शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलता है टाइमर के लिए, यहाँ पर आपका है दोस्तों गाइड, यहाँ पर आपका लेवल के लिए है, यहाँ पर आपका लोकेशन के लिए, ठीक है। सो आपको यहाँ से आप चाहो तो सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों लैंग्वेज, म्यूट शटर, मिरर, फ्रंट कैमरा, लाइव फोटोज इसके अंदर है, सेव कॉर्पोरेट इन्फो, यहाँ पर आप चाहो तो जीपीजी के अंदर और 2 फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। या सब चाहो तो इसको हाई लो के अंदर भी सेट कर पाओगे, और अगर आप चाहो तो इस एप्लीकेशन का जो प्रो मोड है उसे ही खरीद पाओगे। सो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले जो आईफोन एक्स एस है दोस्तों उसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है, जो बुके मोड है, वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में। सो मैं जल्दी से फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन के ऊपर। सो मान लेते दोस्तों ये जो फोटो है इसके अंदर हम पीछे का जो बैकग्राउंड देख पा रहे हो इसे हम और भी ब्लर करना चाहते हो, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद देख पा रहे हो ये जो फोकस में आ गया, अगर हम इसमें टैप करते हो तो जो कैट है वो फोकस में आ जाता है। यहाँ पर आपको आता है दोस्तों साइज करके लिखा हुआ है, अगर आप इसे बढ़ा देते हो तो पीछे का जो बैकग्राउंड है ज्यादा ब्लर हो जाता है। और यहाँ से आप चेक देख कर पाओगे दोस्तों एपर्चर लेवल भी देख लीजिए, सो नॉर्मल फोटो है। उसके बाद इसको इसमें टैप कर दो और पीछे का ब्लर हो जाएगा, अगर इसे फुल कर दे तो कुछ इस तरह से देता है, अगर आप इसमें टैप करते हो तो कुछ इस तरह से होता है। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलता है शेप, कौन से शेप में आप करना चाहते हो, यहाँ पर आप शेप को भी चेंज कर पाओगे, यहाँ पर गौर करना ऊपर। यहाँ पर आपका बेसिक है, सो मैं यहाँ पर सर्कल ही रख रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है हाइलाइट्स, कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। यहाँ पर आपका है ट्रांसमोशन, यहाँ पर नैरो, नॉच, मेटल बॉक्स, एलईडी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे आपको मिलता है दोस्तों क्रॉप के लिए, अगर आप चाहो यस इसको क्रॉप भी कर सकते हो इस फोटोज को, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों नीचे देख पा रहे हो ढेरों सारे लेंसेस के ऑप्शन है अलग अलग, यहाँ पर लेंसेस का नाम भी मिल जाएगा। सो यह सब चेक कर सकते हो कौन सा लेंस के साथ आप जाना चाहते हो, यहाँ पर आपका कस्टमाइज का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो ऑल इन ऑल एप्लीकेशन धासु है, आप डिफरेंस लेंस को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइटिंग का कंडीशन भी है दोस्तों, देख पा रहे हो दोस्तों किस तरह से आपको आता है, ये देख लो दोस्तों। यहाँ पर आप चाहो तो 2D में ही ट्रांसफर कर सकते हो, 3D में भी ट्रांसफर कर सकते हो। जिस ऑब्जेक्ट को बड़ा फोकस करना चाहते हो या सब पैंच करके फोकस कर सकते हो। यहाँ पर आपको आता है इफेक्ट, ये आता है दोस्तों फ्रंट बुके, ये आता है बैक बुके। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, और आप जरूर से इसको अपने आईफोन के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे या चला सकते हो। बिल्कुल इस एप्लीकेशन को ट्राई करना, आपके फोन के पास धासू चलेगा। पर दोस्तों मैं इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों ये एप्लीकेशन सिर्फ ड्यूअल कैमरा के ऊपर ही काम करेगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8 प्लस, आईफोन एक्स के अंदर काम करेगा, दो जो नया आईफोन आया है उसके अंदर ही काम करेगा, बाकी कोई भी आईफोन के अंदर दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है काम नहीं करेगा। एनीवे दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया जरूर इस वीडियो को लाइक करना, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।